इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटॉन से रिलेटेड है और फोटॉन का जो मीनिंग है वो एनर्जी से रिलेटेड है। मींस जब हम फोटॉन की एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो वहां फार्मूला क्या यूज करते हैं, E=h μ। E एनर्जी ऑफ फोटॉन, h प्लैंक कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है, म्यू फ्रीक्वेंसी। और फिर ये फार्मूला बदल भी सकता है। यहां पर E=hc/λ, हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट अप की c/λ। वेयर इज c, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3×10⁸ m/s, और h की वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.625×10⁻¹⁴ j/α। तो अगर हमको लेमडा गिवन है तो हम एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से। अब सीधा से आते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक मेटल है, सपोज ये मेटल इस तरह, ये कोई मेटल है। इस मेटल पर हम लाइट इंसिडेंट करेंगे। यहां कंडीशन है रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, नॉट नेसेसरी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा। इस पर जो लाइट हमको इंसिडेंट करना है उसका सीधा सीधा मीनिंग होगा रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आपने रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी से लोअर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी इस पर इंसिडेंट की तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं। पहले यह समझेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। जब हम किसी मेटल सरफेस पर लाइट को इंसिडेंट करते हैं, यह सरफेस पर लाइट को इंसिडेंट की तो इस मेटल से यहां इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं। और अगर हम फिर यहां ये टर्मिनल पॉजिटिव और इसको बनाएं नेगेटिव टर्मिनल और इनका कनेक्शन करें, ये एनोड से कनेक्ट रहेगी ये कैथोड से, और सर्किट को कंप्लीट करें तो इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई किसके कारण, लाइट इंसिडेंट के कारण। लाइट का मीनिंग फोटॉन के कारण, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब हम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट को किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करते हैं तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं सर्किट में, और सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। इस प्रोसेस का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन हमने बड़ी आसानी से बोल दिया कि यह लाइट इंसिडेंट करेंगे और फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे, सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। ये काम, ये प्रोसेस इतना सिंपल ही, इतना आसान नहीं है। किस तरह इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, कितनी रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, उन सारी चीजों के बारे में हम पहले स्टडी करते हैं। जब हम इस पर एनर्जी इंसिडेंट करते हैं तो फोटॉन की एनर्जी क्या होगी, E=hν, ये एनर्जी होगी। अब यहां पर जब इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे मेटल सरफेस पर, तो मेटल सरफेस का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो मेटल के आउटर शेल में प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को गेन करेंगे, और गेन करके लोअर एनर्जी लेवल से कहां जंप कर जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल को, और इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस को छोड़कर सर्किट में फ्लो होने लगेंगे। अब इसमें दो चीजें होती है, जो एनर्जी आपने इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट की
पहली कंडीशन क्या है कि मेटल के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को जब हम रिलीज करते हैं और उसको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से सेपरेट करते हैं, तो यहां रिक्वायर्ड एनर्जी का नाम क्या है वो भी समझिए। किसी मेटल सरफेस के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करना, उससे रिमूव करना, उस रिक्वायर्ड एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल। तो यहां प्रॉब्लम यह है कि जो एनर्जी हम इंसिडेंट कर रहे हैं वो मेटल की जो पोटेंशियल एनर्जी है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उससे इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए? ये वैल्यू हायर होना चाहिए। कौन सी? जो हम इंसिडेंट कर रहे हैं वो एनर्जी की वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए। किसके कंपैरिजन में? आईपी ऑफ मेटल। तो पहली कंडीशन क्या हुई कि हमको ऐसी मेटल यूज करना है जिसकी आईपी की वैल्यू लोअर हो। पहली कंडीशन क्या है? आईपी शुड बी लोअर ऑफ मेटल। जो हम यूज कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उसकी आईपी की वैल्यू क्या होना चाहिए? लोअर मींस मिनिमम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को रिलीज होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की? कि मेटल की आईपी शुड बी लोअर। अब कौन सी मेटल की आईपी लोअर होती है? तो हम स्टडी करते हैं पीरियोडिक टेबल में कि फर्स्ट ग्रुप की जो मेटल्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनमें कुछ दो मेटल सेलेक्टेड है, उनकी आईपी लोअर होती है। आईपी का कंसेप्ट जैसे जैसे साइज लार्जर होती है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, तो उस मेटल की आईपी लोअर होगी। तो हम फर्स्ट ग्रुप की दो मेटल को यूज कर सकते हैं, एक का नाम है पोटेशियम और दूसरी का नाम है सीजियम। फर्स्ट ग्रुप की दो ऐसी मेटल है, पोटेशियम एंड सीजियम, इनकी आईपी लोअर होती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम इनको यूज कर सकते हैं और किया जाता है। तो चलिए, पहली कंडीशन क्या बनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की? आईपी ऑफ मेटल शुड बी लोअर। अब हम यहां अगर इसकी आईपी की वैल्यू हायर होगी तो हमें यहां इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा लेना पड़ेगी, उससे वेस्टेज होगा। तो हमको पहली कंडीशन तो सबसे पहले यह अप्लाई करना है कि मेटल को ऐसी सेलेक्ट करें जिसकी आईपी की वैल्यू लोअर हो, मींस उससे कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे। क्लियर? अब इस पूरी जो मेटल है इसके इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह यहां से सेपरेट करते हैं समझ लीजिए। कुछ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो मेटल के सरफेस पर ही है, इस तरह ये मेटल के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को डिजाइन किया है। इसका मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मेटल के कुछ तो सरफेस पर ही है और फिर मेटल की बॉटम भी होगी। तो यहां पर जब हम एनर्जी को इंसिडेंट करते हैं तो सरफेस का इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहले एनर्जी को गेन करेगा और फ्लो करने लगेगा। लेकिन इसमें ऐसा कंसेप्ट है कि जो एनर्जी हम इंसिडेंट करते हैं मेटल सरफेस पर वो दो काम में खर्च होती है। कितने कामों में खर्च होगी? दो कामों में कंजम होगी। हमने जो एनर्जी इंसिडेंट की वो दो वर्क डन, दो कार्य करेगी। कौन कौन से? इस पर इंसिडेंट हुई, पहले ये जो बॉटम में इलेक्ट्रॉन है इसको कहां तक लाएगी? पहले इसको सरफेस तक लेकर के आएगी। तो एनर्जी जो हमने इंसिडेंट की थी उसी से तो ये इलेक्ट्रॉन सरफेस तक आया बॉटम से। इसका मतलब ये एनर्जी दो काम करेगी, एक बॉटम के इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाएगी
और इस एनर्जी को, इस रिक्वायर्ड एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन एनर्जी, वर्क फंक्शन एनर्जी। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इस तरह साइन से, फाई से। तो हम जो एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हैं मेटल सरफेस पर, वो दो काम करेगी। पहला काम कौन सा करेगी, बॉटम के इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाएगी, और सरफेस तक लाने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, वर्क डन है, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन एनर्जी, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, फाई से। प्लस दूसरा काम क्या करेगी, जो एनर्जी हमने इंसिडेंट की है, वो पहला काम क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बॉटम से सरफेस तक लाए, और दूसरा काम होगा अब जो सरफेस पर इलेक्ट्रॉन है उसको सर्किट में फ्लो करना। मींस इलेक्ट्रॉन को क्या देगी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करेगी, तो वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर। और इनको बोलते हैं इमिटेड इलेक्ट्रॉन, फोटो इमिट इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर फार्मूला क्या बना, ये फार्मूला बना कि जो एनर्जी हम इंसिडेंट करते हैं मेटल सरफेस पर, वो दो कामों में खर्च होगी। एक वर्क फंक्शन की एनर्जी, मींस इलेक्ट्रॉन को बॉटम से सरफेस तक लाएगी, और फिर रिमेनिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सर्किट में फ्लो करेगी। और वही फ्लो जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन जो चला, मूवेबल हुआ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक, वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में खर्च होगी, इलेक्ट्रॉन को चलाने में खर्च होगी, उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, आप फोटो इलेक्ट्रॉन। अब ये फार्मूला मिला हमको। अगर अब यहां एक केस देखते हैं कि आपने जो एनर्जी इस पर इंसिडेंट की, वो एनर्जी केवल वर्क फंक्शन की एनर्जी के ही इक्वल है या उससे कम है, तो फिर इलेक्ट्रॉन तो यहां से यहां तक आकर के रुक जाएगा, फ्लो होगा क्या इलेक्ट्रॉन, नहीं। ऐसे केस में फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं है। तो आपको दूसरी कंडीशन क्या करना है, सेकंड कंडीशन ये है कि हम जो इस सरफेस पर एनर्जी को इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए, किसके कंपैरिजन में, इस वाली एनर्जी के कंपैरिजन। मींस मेटल की जो वर्क फंक्शन की एनर्जी है वो डेफिनेट वैल्यू होती है। मींस ऐसा माने कि हमने यहां सीजियम लिया, तो सीजियम की जो वर्क फंक्शन की एनर्जी है मान लो 2.3 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको यहां इंसिडेंट एनर्जी 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की सप्लाई करना है। क्यों, क्या अगर 2.3 की एनर्जी आपने सप्लाई की इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को बॉटम से सरफेस तक लाकर छोड़ देगी, इलेक्ट्रॉन कौन चलाएगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को इमिशन करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल तभी है जब आप इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू मेटल की वर्क फंक्शन एनर्जी से ग्रेटर रखें। तो यहां पर क्या होगा, आपने जो एनर्जी इंसिडेंट की एच म्यू शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन एनर्जी ऑफ मेटल, तभी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक नहीं जाएगा। यह सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है, पुराने टाइम में ऐसा बोलते थे कि जितने नंबर ऑफ फोटॉन हम यहां इंसिडेंट करते हैं, ध्यान से समझिए इस बात को, जितने फोटॉन, नंबर ऑफ फोटॉन इस पर मेटल सरफेस पर हम इंसिडेंट करते हैं उतने इलेक्ट्रॉन इमिटेड होते हैं। मींस इंसिडेंट नंबर ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू द इमिशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा पुराना कंसेप्ट था, ओल्ड कंसेप्ट। लेकिन बाद में ये कंसेप्ट चेंज हुआ वर्क फंक्शन एनर्जी के आने के बाद। क्या चेंज हुआ, उन्होंने बोला
कि जितने फोटॉन नंबर ऑफ फोटॉन हम इंसिडेंट करते हैं, जैसे आपने 10 फोटॉन इस पर इंसिडेंट किए तो 10 इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना था, ये कंसेप्ट था। लेकिन ऐसा नहीं, अगर हम जितने नंबर ऑफ फोटॉन इस पर इंसिडेंट करते हैं उससे लेस इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, मींस एनर्जी कहां गई। आपने तो यहां 10 फोटॉन इंसिडेंट किए थे, इलेक्ट्रॉन तो 6 ही चले, 6 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक फ्लो हुए, तो 4 फोटॉन की एनर्जी कहां गई। तो वो कहां खर्च होती है, इलेक्ट्रॉन को बॉटम से सरफेस तक लाने में खर्च हो जाती है। इसलिए न्यू कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने नंबर ऑफ फोटॉन हम इंसिडेंट करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होते, उससे कम ही होंगे। यह भी एक थर्ड कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ फोटॉन नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। फोर्थ कॉन्सेप्ट, अगर हम इसमें लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करें, जैसे आपने लाइट का जो सोर्स लिया, एक लिया फिर डबल किया, दो सोर्स लगा दी, आप लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए फोटो इमिशन इंक्रीज नहीं होगा। पहले ऐसा मानते थे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर बाद में स्टडी की कि अगर हम यहां पर लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो फोटो इमिशन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो फिर क्या हुआ, तो फिर बाद में कंसेप्ट आया कि एनर्जी तो खुद फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है, उसका इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं। तो यहां पर नया कंसेप्ट चेंज किया कि रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी की एनर्जी जब हम इस पर इंसिडेंट करते हैं तभी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल है। इसका मतलब इंटेंसिटी पर फोटो इमिशन या इलेक्ट्रॉन इमिशन डिपेंड नहीं है। इलेक्ट्रॉन का इमिशन, यहां से इलेक्ट्रॉन कब चलेंगे, किस पर डिपेंड है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर आप लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो फोटो इमिशन इंक्रीज होगा। क्लियर, तो फोटो इमिशन फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नॉट इंटेंसिटी। ये 4 इसके कंसेप्ट है, मैंने क्लियर आपको समझाए, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आगे स्टडी करते हैं कि इस कंसेप्ट से रिलेटेड जेई एडवांस में एक न्यूमेरिकल आया, उसमें डिफरेंट मेटल्स की जो वर्क फंक्शन एनर्जी है वो गिवन है, और उसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कितनी मेटल्स में, हाउ मेनी नंबर ऑफ मेटल्स विच फ्लो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जिनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन यहां से सर्किट कंप्लीट करेगा। तो वो न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिखते हैं, पहले इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम एक न्यूमेरिकल लिखते हैं और इस फार्मूले से उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। पर कंसेप्ट ध्यान रखना कि लाइट का जो इंसिडेंट वैल्यू है वो ग्रेटर होना चाहिए, किसके कंपैरिजन में, इसकी वर्क फंक्शन एनर्जी के कंपैरिजन। इसको नोट करिए 1-2 मिनट में, उसके बाद स्टडी करते हैं न्यूमेरिकल। चलिए नेक्स्ट, अब हम जेई एडवांस में जो इसका न्यूमेरिकल पूछा है उसकी बात करते हैं। क्या पूछा गया है पहले वो देखें और फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ मेटल्स दी है, ये मेटल्स, और इनकी वर्क फंक्शन की एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लिस्टेड बिलो, लिस्ट बनी हुई है, मैं यहां पर इनको लिखता। सबसे पहले लिथियम, फिर मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद है कॉपर, कॉपर के बाद एजी, फिर आयरन एफई और प्लेटिनम पीटी और वन डब्ल्यू। इतनी सारी मेटल दी है और इन मेटल में एनर्जी गिवन है, ये वर्क फंक्शन की एनर्जी है इनकी। ये कौन सी एनर्जी है? वर्क फंक्शन की, मींस इतनी एनर्जी इसके इलेक्ट्रॉन को बॉटम से सरफेस तक लाने में लगती है। अगर आप इससे ज्यादा की वैल्यू इंसिडेंट करोगे तो ही फोटो इलेक्ट्रिक मिशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं। यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इनकी वैल्यू लिखते हैं, मैग्नीशियम की वर्क फंक्शन एनर्जी 3.7, सोडियम की 2.3 और ये 2.0, ये 4.8, उसके बाद ये 4.0, 4.7 आयरन की और 6.3 प्लेटिनम की और लास्ट में है 4.75। ये बंक की वर्क फंक्शन एनर्जी की वैल्यू गिवन है, ठीक है? मेटल के नाम गिवन है और मेटल की वर्क फंक्शन एनर्जी गिवन है। बाद में उसने क्वेश्चन बोला कि इस मेटल पर, ये डिफरेंट मेटल है, इनमें से मेटल उसने यूज की होगी, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। और उन्होंने बोला कि 300 नैनोमीटर की, 300 नैनोमीटर मींस वेवलेंथ, जो लाइट इंसिडेंट की उसका वेवलेंथ कितना है? 300 नैनोमीटर। बाद में उन्होंने क्वेश्चन किया कि बताओ इसमें से कितनी मेटल में फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल है। कहां का क्वेश्चन है ये? जेई एडवांस। सॉल्व करते हैं, पहले ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो इसको बदल के यूज करेंगे। कैसे? E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। क्लियर? ये कैसे बदला आपको समझ में आ गया? C बाय लैम्डा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है, वो पुट अप करके। अब यहां पर एच और सी की वैल्यू पुट अप करेंगे। थोड़ा सा फार्मूले को इधर लिखते हैं, E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, एच की वैल्यू रखें 6.625 10^-34 जूल, इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट 3×10^8 मीटर पर सेकंड अपॉन। अब लैम्डा की वैल्यू पुट अप करें, क्योंकि पहले एनर्जी पता करेंगे। हमने एनर्जी कितनी इंसिडेंट की, उसने तो वेवलेंथ गिवन है, उसने वेवलेंथ दिया, हमें एनर्जी पता नहीं। और यहां एनर्जी के टर्म में गिवन है और वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जूल में, तो यहां यूनिट को आपको चेंज करना पड़ेगा। लैम्डा की वैल्यू क्या है? 300 नैनोमीटर, नैनोमीटर को मीटर में बदलिए, क्योंकि आपने जूल और मीटर सेकंड में लिखा है, ये वैल्यू बदल गई मीटर। अब क्या करें? इसका मल्टीप्लिकेशन पहले इसमें करें, तो आंसर क्या आएगा? 19.8×10^-26 जूल अपॉन में क्या है? 300×10^-9 मीटर। या फिर इसको सॉल्व करें, इससे इसको कैंसिल करें और पूरा टोटल सॉल्व करें, तो टोटल सॉल्व का आंसर आया 4. इसका टोटल आंसर आएगा, इसको फिर से ये डिवाइड करोगे, हमने क्या किया था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये आंसर बना। अब फिर से 3 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर फिर से बन जाएगा 6.625×10^-26 अपॉन। अब ये तो गया, ये पावर इसको चेंज करेगी और पावर कितनी बना देगी, यहां लिख ले, ये पावर से पावर कैंसल होगी तो 10^-19 इसका आंसर होगा। इसकी कैलकुलेशन की है मैंने, इसकी कैलकुलेशन क्या हो गई पूरे की 6.625×10^-19 जूल, ये जूल में है अभी। अब
आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों? कि यहां पर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, फिर कंपैरिजन होगा। आप इससे कंपैरिजन मत कर लीजिए 6.625, तो फिर आपका आंसर तो एक ही होगा जो गलत हो जाएगा। पहले इस जूल वाली वैल्यू को हम किस में कन्वर्ट करें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको एक रिलेशन समझाया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम से मल्टीप्लिकेशन करें या डिवाइड करें, ये अपने पद है कि उस टाइम करना क्या है। आपको जूल में, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये 19⁻¹⁹ कैंसर और ये आंसर बन गया 4.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आंसर बना? आंसर बना 4.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मींस आपने जो एनर्जी इंसिडेंट की है वो कितनी है? 4.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आपने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इस पर इंसिडेंट की। अब जिन मेटल्स की, अब आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, जिन मेटल्स की वर्क फंक्शन की एनर्जी इससे ग्रेटर है उनमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या करें? 4.12 को देखो, अगर 4.12 की एनर्जी आपने यहां इंसिडेंट की तो इसमें करंट फ्लो होगा क्योंकि इसकी वर्क फंक्शन की एनर्जी कम है। इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें नहीं होगा क्योंकि इस मेटल की वर्क फंक्शन की एनर्जी इससे ग्रेटर है। एक इसमें होगा, दो, तीन, चार, चार ऐसी मेटल है जिनमें की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। या फिर कितनी में होगा? एक, दो, तीन, चार और ये पांच, पांच मेटल में फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल है। ये जो भी वो क्वेश्चन पूछे वहां पर उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। आपको ये वैल्यू जैसे ही आएगी, ये आंसर के आपने इंसिडेंट कितने की, उसके बाद ही आपको पता चलेगा किस में पॉसिबल है और किस में नहीं। तो पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच मेटल में पॉसिबल है और चार मेटल में पॉसिबल नहीं है, ये इसका आंसर होगा। इस तरह फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं और इस तरह की प्रैक्टिस करिए। ये पूरा कंसेप्ट मैंने समझाया, आप इसको नोट करिए और आगे स्टडी करिए। बाय, सी यू। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए। ओके, बाय, थैंक यू।